व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मेरे चेहरे की ये जो प्रसन्नता है, ये जो खुशी आप देख रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो बयां जरूर कर रही है। और वो ये है कि आज कुछ तो बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो वो खुशखबरी ये है कि आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों के प्यार की वजह से मेरा एक चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया है। मेरे 3 चैनल है यूट्यूब पे, जिसमें से एक है मेरा म्यूजिक चैनल, जिसमें कि मैं बहुत सारे गीत डालती हूँ, आप लोग सुनते होंगे मेरे गीत। और सेकंड है मेरा व्लॉग चैनल एंजल गुप्ता व्लॉग्स, और तीसरा है मेरा शॉर्ट्स वाला चैनल, जिसमें मैं 15 सेकंड्स वाले वीडियो डालती हूँ, बहुत ही फनी वाले। जो मेरा म्यूजिक चैनल है एंजल गुप्ता करके, उसमें मैं 1.5 साल से बहुत मेहनत कर रही थी एंड फाइनली वही वाला चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया है। इस चैनल को ग्रो करने के लिए आप सभी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, इसलिए आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद कहती हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो जो YouTube से जुड़े होंगे उन सबको पता होगा कि मोनेटाइजेशन के लिए YouTube ने कुछ रूल्स, रेगुलेशन और कुछ क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं। एंड वो क्राइटेरियाज हालांकि 2017 से पहले वो नहीं था, बट 2017 के बाद ये YouTube ने रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए हैं। तो वो रूल्स ये हैं कि आपके चैनल पे पब्लिक वॉच टाइम 4000 घंटा होना चाहिए और 1 साल के अंदर, एंड आपके चैनल पे मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके चैनल पे किसी तरीके का कोई स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, और भी कोई छोटे मोटे रूल्स हैं जो कि मतलब फुलफिल होने चाहिए। तो ये सभी क्राइटेरियाज पूरा होने के बाद हमें अपना चैनल को रिव्यू करने के लिए हमें यूट्यूब के पास भेजना पड़ता है। एंड यूट्यूब अच्छे से एक एक चीज जांच पड़ताल करता है कि कोई स्ट्राइक तो नहीं है, और जो हमारा व्यूज है, जो 4000 घंटा जो पूरा हुआ है, वो लीगली तरीके से पूरा हुआ है कि नहीं। एंड जब ये चीज अप्रूव हो जाती है, तब आपके पास आ जाता है कि योर चैनल हैज बीन मोनेटाइज, जो कि हमारे पास आ चुका है। तो हर यूट्यूबर का जो कि यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करता है, उसका सबसे पहला सपना यही होता है कि उनका चैनल मोनेटाइज हो जाए। मतलब कि यूट्यूब जर्नी का सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के चलते मैं ये पहला स्टेप पार कर गई हूँ। हालांकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे 1000 सब्सक्राइबर, वो तो बहुत पहले कंप्लीट हो गए थे, बट जो वॉच टाइम है 4000 घंटा, वो करने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट इवेंचुअली हो गया। और वॉच टाइम कंप्लीट करने में इधर हमें इसलिए भी लग गया क्योंकि मेरे जो गाने हैं ना, जो गीत है मेरे, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, ऐसे ऐसे गीत होते हैं मेरे, इसीलिए। और इतने छोटे छोटे गीत है तो 4000 घंटा करने में बहुत टाइम लग गया था हम लोग को। हालांकि ये मेरे लिए खुशी की बात तो है, बट अभी मुझे YouTube पे बहुत लंबा सफर तय करना है। मोनेटाइजेशन अप्रूवल के बाद कुछ छोटे मोटे से फॉर्मेलिटीज होती है, जो कि मम्मी और पापा मिलके अपना करेंगे। तो आज तो मैं तो कुछ ज्यादा ही खुश हूँ, बाकी सब खुश है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे पेट में थोड़ी थोड़ी गुदगुदी भी हो रही है। मम्मी, आपके पेट में गुदगुदी हो रही है? थोड़ी थोड़ी। तो भाई आज सब लोग इतना खुश है, इसलिए खुशी के अवसर पर मम्मी हम लोग के लिए कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा चीज बना रही है। क्या क्या बना रहे हो मम्मी, आप ही बताओ। बना नहीं रहे, बना दिए। हाँ, क्या क्या बनाए हो वही तो बताओ। आलू दम बनाए। अच्छा, इसमें होगा। अब जल जाओगी, मत करो, बहुत गर्म है, बहुत धुआं निकल रहा है। अरे भैया, बाप रे बाप। पूरी और अरे कितना दिन बाद खीर बनाया मम्मी, बताओ। लास्ट तो पता नहीं कितने जन्मों पहले बना होगा खीर। दो, खा के ऐसी करती हो। खा लेती हो, लेकिन फिर भी सही में बहुत टाइम बाद बना। नहीं, सही में बहुत टाइम बाद बना है, और इतना स्वादिष्ट खाना देख के हमसे नहीं रहा जा रहा। मम्मी हमको खाना निकालो। तो ये मैं अभी पापा को खाना सर्व कर देती हूँ, और पापा की यही थाली है। इसके अलावा ऐसी थाली घर में किसी की नहीं है। ये गहरी वाली थाली पापा यूज करते हैं, क्योंकि ये थाली मेरे पापा के अंदर की गहराइयों को समझती है, क्योंकि ये गहरी थाली है। ड्रामा करवा लो, निकालो जल्दी से कटोरा। इसमें खीर डालो। चलो मैं पापा को देके आती हूँ। हाँ, आती हूँ, पहले पापा को देके आती हूँ। पापा आपका खाना। ये हो गया मेरा खाना। भैया, मम्मी आपको बुला रही है, खाना ले लो अपना। मम्मी, भैया भी नहीं खाएगा। हा, ये तो बड़ा टेस्टी खाना हो गया आज तो। अप्रतिम भोजन। मम्मी ने तो अपना सेलिब्रेशन का काम कर दिया। मम्मी ने तो सबका फेवरेट फूड पूरी, आलू और खीर बना दिया, तो मम्मी की तरफ से सेलिब्रेशन हो गया। बट शाम का सेलिब्रेशन पापा की तरफ से। पापा ने हम सभी को सरप्राइज दिया है कि आज हम लोग का पार्टी होने वाला है, रसमलाई पार्टी। और पापा को अर्जेंटली कॉल आ गया था तो पापा को जाना पड़ा, लेकिन अभी मैं, मम्मी, भैया, डुगू और ईशू हम सब मिलके रसमलाई एंजॉय करेंगे। तुम पहले एक ही खाएगा फिर एक ही बार तुमको दो दे दूं? दो। उसमें तरी है ना, तरी सब लोग लेंगे ना। तुम लेना वाले लेना तो आपको झूठा लूंगी। और खाने खाने मत खाओ। मम्मी देख लो, इसमें ये गलत बात है। मम्मी रिकॉर्ड करने वाली कोई बात नहीं, इसको बोलो। भैया रसमलाई में भी तरी होता है क्या? सब तरी तरी कर रहा है। अरे भाई चाय पी रहे हो क्या? आराम से खाओ। बहुत दिनों बाद रसमलाई खा रही हूँ मैं। वाओ, खाओ, मुंह में डालो, ठंडा है। नहीं नहीं, आप जो पूरा टब लेके बैठ गए हो, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बढ़िया लग रहा है। बढ़िया तो लगेगा ही। लास्ट में बैठो, लास्ट में लोगे ना कोई सामान, या दो हो सकता है, या तो एकदम ही नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो अच्छे से मिलेगा। बहुत अच्छे से मिला नहीं है, तुम छीन लियो पूरा। छीना क्या, दे दो क्या सबको? गलत बात है। चाहिए क्या? चाहिए, बिल्कुल चाहिए। चाहिए किसको नहीं। तभी हम सभी ने रसमलाई खा ली और बहुत ही ज्यादा मजेदार, एकदम टेस्टी रसमलाई थी। तो इसीलिए आज का ब्लॉग बस यहीं तक। मम्मी और पापा ने, मतलब मम्मी ने तो हमें सुबह ही सरप्राइज दे दिया था और पापा ने शाम को सरप्राइज दे दिया रसमलाई लाके। अगर ऐसे ही ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को जरूर से प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।